नमस्कार, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से आपका दोस्त कोविड 19 की अपडेट लेकर फिर हाजिर हूँ। कुछ जानकारी हम आपको दिए देते हैं। हांसी के अंदर सैंपलिंग हो रही है, वार्ड वाइज सैंपलिंग हो रही है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 में सैंपलिंग पूरी हो चुकी है और कल वार्ड नंबर 4 में यानी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम एंटर करेगी। स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक सूचना के अनुसार, आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार तीनों वार्ड के अंदर लगभग 750 के लगभग सैंपल लिए जा चुके हैं। एक और आपको सजग सूचना हम दे देते हैं कि 2 दिन के अंदर अब कुछ कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, सैंपलिंग बढ़ी है। कल और आज के अंदर मात्र 6 केसेज हांसी के अंदर आए हैं। टोटल यानी कि 46 एक्टिव केस रह गए हैं। पहले ये आंकड़ा 150 के पास पहुंच गया था, अब ये एक सुखद सूचना हम आपको दे दें कि 46 एक्टिव केसेस हांसी के अंदर हैं और 1212 अब तक संक्रमित हो चुके हैं जब से कोरोना का प्रकोप जारी रहा है। हिसार में भी बहुत यानी कि कम केसेस आए हैं, जो पहले एक बार 300 या 350 हम जानते थे ये रिपोर्ट के अंदर, तो कल यानी कि 85 केसेस आए हैं। ये एक सुखद सूचना है। अब तक हिसार जिले के अंदर 16,000 के लगभग संक्रमित हो चुके हैं और 250 के लगभग उससे अबव डेथ हो चुकी हैं। अब हम आपको एक और सूचना बताते हैं कि कोवैक्सीन की ट्रायल हमारे हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी के ऊपर हुई थी। 20 नवंबर को उनको कोवैक्सीन का इंजेक्शन लगा था और जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उन्होंने स्वयं यानी कि इस बात की पुष्टि की है। देश के अंदर वैक्सीन बड़ी जल्दी से आने की बात कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कि कई 3-4 हफ्तों में या जैसे भी वैक्सीन होगी उसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है और इसकी ट्रायल हो रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फर्स्ट डोज फिर सेकंड डोज ट्रायल में होगी। तो इस तरह से हम आपको कोविड-19 की जानकारी बराबर देते रहते हैं और आप भी सजग रहिएगा। इसके अलावा और हम आपको जानकारी देते हैं कि दिल्ली बॉर्डर, जिसे सिंधु बॉर्डर कहते हैं, टिकरी बॉर्डर कहते हैं और अन्य बॉर्डर, चारों तरफ किसानों ने घेर रखे हैं। वहाँ अब छठे दौर की वार्ता होगी। 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता होगी और 5वें दौर की वार्ता जो कल विफल हो गई थी, 8 दिसंबर को यानी किसानों के आह्वान के ऊपर पूरा भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। ये हम इसे एक्स्ट्रा न्यूज़ आपको दे रहे हैं और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि धरती पुत्र किसान और सरकार के बीच सकारात्मक बातचीत हो और यह मसला हल हो जाए, जो जिस पर किसान अड़े हुए हैं और सरकार भी उन्हें मनोबल करवा रही है कि भी कैसे न कैसे इसका हल हो और इस ठंड के मौसम में किसान जो चारों तरफ बॉर्डर पर है वो भी सुखद समाचार लेके आए। 9 दिसंबर को वार्ता फिर होनी है 11 बजे विज्ञान भवन में। एक सूचना के आधार पर हम आपको फिर सूचित कर देते हैं कि हांसी के अंदर सैंपलिंग बराबर जारी है वार्ड वाइज। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ फिर आपको सूचित करता हूं कि कल 4 नंबर वार्ड के अंदर स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेंगे। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह हम कोविड-19 की रिपोर्ट देते रहेंगे और आपको सजग करते रहेंगे। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अपनी एंटीबॉडी को बूस्टअप करें और इम्यूनिटी को बूस्टअप करें और स्वस्थ रहें, SOP की गाइडलाइंस की पालना करें। नमस्कार, चले जाते हैं, फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ।